सो है गाइस, बॉडी बिल्डिंग अपडेट में आप सभी लोगों का स्वागत है। एंड बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से जुड़े मैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लेके आ चुका हूँ। एंड प्लीज़ आप सभी लोगों से यार रिक्वेस्ट है मेरी, तो सब्सक्राइब कर लेना जो लोग भी नए आए हो। एंड इतना तो भाई आप लोग कर ही सकते हो ना। बाकी हम लोग बढ़ते हैं आज को अपनी पहली अपडेट की तरफ, जिस पर हम लोग बात करने वाले अपने सुनीत जादव भाई के बारे में। सो फाइनली एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अपने सुनील यादव भाई की साइड से उनका करंट टाइम का कंप्लीट फिजिक अपडेट जो है वो गाइस हम लोग को मिल जाता है। एंड आप लोग देख सकते हो कि आखिरकार अपने जो सुनील यादव भाई हैं वो कैसे लग रहे हैं। अब भाई बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप लोग उनका बैकग्राउंड देखो, वो पुराना अपडेट है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस ये हैं कि उनका रिसेंट का अपडेट है, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने कैप्शन दिए हैं बिग चेंजेस डे बाई डे उस ऐसा करके, तो डेफिनेटली उनका रिसेंटली अपडेट हो सकता है। एंड आप लोग साइज से भी अंदाजा लगा सकते हो। वेल साइज भाई हम लोग बात करें तो प्रीवियस ईयर से साइज भाई थोड़े इम्प्रूव्ड देखने को मिलेंगे, खासतौर पे उनकी जो लोअर बॉडी है अपर बॉडी से काफ़ी ज़्यादा मैच्ड करती हुई नज़र आ रही है। एंड बैलेंस फिजिक के साथ में हम लोग को नज़र आ रहे हैं। एंड उसके बाद में भाई मोस्ट चर्चाओं में ये रहेंगे कि आखिरकार शो कौन सा खेलेंगे, क्योंकि मुंबई प्रो शो तो वो खेल ही नहीं पाएंगे। सो लेट्स सी आई क्या अपडेट्स आते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग बढ़ते हैं आज को अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं अपने अभिषेक यादव भाई के बारे में। तो अभिषेक यादव भाई की साइड से एक बहुत बड़ा जो अपडेट है वो मैं लेके आ चुका हूँ। एंड अभिषेक यादव भाई अपना ये वाला जो अपडेट है वो शेयर करते हैं, जिसमें कि आप लोग साइज देखने को मिलेगा एक अच्छा खासा साइज। एंड करंट बॉडी वेट में आप लोग को बताऊं तो वो है 105 केजी के आसपास। जी हाँ गाइज, 105 केजी का उनका करंट बॉडी वेट है। एंड वो बताते हैं कि वो 6 वीक आउट हैं अपने बल्किंग से। जी हाँ गाइज, यानी कि उनकी जो 6 वीक और भी बचे हैं बल्किंग के वो करने वाले हैं। एंड देन उसके बाद में हम लोग को वो किसी शो के अंदर कॉम्पीट करते हुए नज़र आ सकते हैं आफ्टर कटिंग। एंड गाइज आप लोग को पता होगा कि मुंबई शो इस बार 20 दिसंबर के आसपास है, तो मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस हैं कि वो इसमें कॉम्पीट करते हुए नज़र आ भी सकते हैं। वेल देखते हैं आई क्या अनाउंसमेंट आती हैं। अब बढ़ते हैं गाइज आज के अपने कुछ इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स एंड उनकी न्यूज़ एंड अपडेट्स की तरफ। तो फाइनली जो लोग बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो रहे थे कि आखिरकार प्रेजेंट टाइम में फुरकान कैसे दिख रहे हैं, क्योंकि रिसेंट में भाई वो अपने इंडियन टॉप इंडियन एथलीट के साथ में भिड़ने वाले हैं, तो उनका करंट फिजिक अपडेट मैं लेके आ चुका हूँ कजाकिस्तान प्रो शो से पहले का। आप लोग देखोगे फुरकान एक अच्छे खासे फिजिक को कैरी कर रहे हैं। अनडाउटेडली उनके ऑब्लिक्स थोड़े से इम्प्रूव्ड हुए हैं, बट जितना विजुलाइज होना चाहिए था जो ऑब्लिक्स के अंदर एंड एप्स में जो जजेस डीप कट लाइन एंड एक अच्छा खासा साइज देखते हैं वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। बैक साइड से मेरे को थोड़े से वो लैग करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो उनकी बैक मसल हैं वो उतनी ज़्यादा पॉपअप नहीं हो रही हैं, वो उतनी उभर के नहीं आ रहे हैं। थिकनेस की भी थोड़ी कमी मेरे को लगी। वेल फ्रंट साइड से वो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन बैक बॉडी से मेरे को वो उतना अच्छे नहीं लगे। जो उनके शोल्डर हैं वो थोड़े से मेरे को सॉफ्ट भी लगे हैं। वेल देखते हैं अब आगे वो क्या करते हैं। एंड सबसे बड़ी चीज़ कि कजाकिस्तान प्रो शो के अंदर जो जजेस की मेन प्रायोरिटी रहेगी वो क्या रहेगी, एक डीप कट शार्प एंड क्रिस्पी कंडीशनिंग के साथ में विद अमेजिंग मसल मास, वो जज की प्रायोरिटी रहेगी या कुछ और, लेट्स सी। एंड नाउ हम लोग बढ़ते हैं आज को अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं राफेल ब्रांडाओ के बारे में। सो फाइनली गाइस आफ्टर आर्नो क्लासिक ब्राज़ील या साउथ अमेरिका प्रो शो के बाद में उनका जो फिजिक अपडेट है वो हम लोग को देखने को मिला। एंड यहाँ पे साइज अनडाउटेडली उन्होंने गेन किया है, बैक में थोड़ी सी थिकनेस हम लोग को ऐड होती नज़र आई है। अब साइज़ भाई मैं आप लोग को बताना चाहूँगा वो उतना भी हैवी है, उतना भी बल्किंग मोड पे नहीं जा सकते, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि अब उतना टाइम है ही नहीं कि वो इतना अच्छा खासा बल्क कर सकें एंड एक हैवी साइज़ गेन कर सकें, क्योंकि इस साल उन्होंने कम बैक करके आए तो वो साइज़ गेन करके वो दोबारा वो नहीं कर सकते, क्योंकि उतना टाइम है नहीं। एंड अगर उन्होंने किया भी तो डेफिनेटली वो जो कंडीशन लेके आ सकते हैं अभी उससे वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। बट फिलहाल में राफेल ब्रांडाओ एक अच्छी खासी फिजिक के साथ में हम लोग को नज़र आ रहे हैं। एंड मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि 15 वीक्स आउट जैसे उनके अदर कॉम्पिटिटर्स हैं थोड़े से वो पीछे नज़र आ रहे हैं, पर देखते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है।
एंड लेट्स सी इस मार्जिन को वो कैसे गैप आउट करते हैं, लेट्स सी आई कि जो भी अपडेट्स आते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग बढ़ते हैं आज को अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि बहुत बड़ी जो अपडेट है वो निकल के सामने आ रही है ब्रांडन करी की साइड से। जी हाँ गाइस, रिसेंट में हमने इनका फिजिक अपडेट देखा था, लेकिन अभी एक बहुत बड़ी अपडेट आउट हो रही है कि 15 वीक्स आउट रहते मिस्टर ओलंपिक 2024 से उन्होंने अपने उन कोच को छोड़ दिया है जो कि मिस्टर ओलंपिक 2019 की ट्रॉफी उठाने में सबसे बड़ा हाथ था, जिनका नेम है अब्दुल्ला अलोताइवी। तो ब्रांडन करी ने अपने कोच को छोड़ दिया है, लेकिन उनके जो कोच है ये सारी चीज़ होने के बाद में एक काफ़ी इमोशनली जो पोस्ट है वो करते हैं। तो सबसे पहले तो वो ब्रांडन करी को ही थैंक्स बोलते हैं, क्योंकि वो जितने पोटेंशियल वाले एथलीट थे उनके साथ में काम करके अब्दुल्ला अलोताइवी को काफ़ी अच्छा लगा। एंड यहाँ तक कि वो इतना बोल देते हैं कि ब्रांडन करी जिस भी कोच को हायर करेंगे, जिसके अंडर कोचिंग करेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा लकी रहेगा। एंड वो बोलते हैं कि मैंने सिर्फ दो ऐसे एथलीट हैं जिनको बोला था कि आप मिस्टर ओलंपिया बन सकते हो। पहले जो एथलीट थे वो थे विग रैमी, जो कि अपना प्रो बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करने से पहले 96 केजी के थे, उनको तभी बोल दिया था एंड वो मिस्टर ओलंपिया भी बने। एंड दूसरे थे ब्रांडन करी, जिनके साथ में मिलके उन्होंने मिस्टर ओलंपिया की ट्रॉफी तक का सफ़र जारी रखा एंड उनको ट्रॉफी भी दिलाई। बाकी कुछ और भी चीज़ें हैं जिसको आप लोग वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हो। एंड क्या लगता है आप लोग को, ब्रांडन करी ने सही किया या फिर नहीं, कमेंट करके बताना। फिलहाल के लिए हम लोग बढ़ते हैं आज को अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं हॉर्स एमडी के बारे में। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हॉर्स एमडी की साइड से उनका जो प्रेजेंट टाइम का करंट फिजिक अपडेट है एंड कंप्लीट करंट फिजिक अपडेट वो गाइस वो शेयर कर देते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हॉर्स एक अच्छे खासे साइज के अंदर डेफिनेटली हम लोग को नज़र आएंगे एंड प्रीवियस ईयर से उन्होंने थोड़ा सा मसल मास जरूर से ऐड किया है। बैक में उनकी जो थिकनेस है वो हम लोग को अच्छी खासी नज़र आ रही है एंड खासतौर पे जो लैट्स मसल है उसका साइज़ भी हम लोग को इंक्रीज़ होता हुआ नज़र, जो लोअर लैट्स हैं साइज़ में भी थोड़ा सा साइज़ हम लोग को ऐड ऑन होता हुआ नज़र आया है। बैक में जैसे मैंने आप लोग को बता दिया पहले से ज़्यादा अच्छी खासी थिकनेस हम लोग को शो करते हुए वो नज़र आ रहे हैं। बाकी लैट्स ही जो इस साल का उनका शो रहेगा नेक्स्ट वो कौन सा रहता है उसके बारे में अभी तक उन्होंने कुछ बात नहीं करी है एंड डेफिनेटली अभी तो वो स्टेज रेडी भी नहीं लग रहे हैं एंड जब वो किसी भी शो के आसपास आएंगे तो हम लोग को आखिरकार पता लग ही जाएगा। बट क्यूरियस ये चीज़ की होगी कि वो कौन से शो को चूज़ करेंगे जो कि उनको मिस्टर ओलंपिक क्वालिफिकेशन दिला दे। लेट्स सी, जैसे कुछ और अपडेट आएंगे मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल के लिए हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं मार्टिन फिट्ज़वाटर के बारे में। तो डेफिनेटली मार्टिन फिट्ज़वाटर ने इस साल काफ़ी अमेजिंग परफॉर्मेंस दिया है अपना दोनों प्रो शो के अंदर जो भी इन्होंने कॉम्पीट किए हैं एंड ये रहा उनका 15 वीक्स आउट का करंट फिजिक अपडेट। साइज वाइज वो वैसे हम लोग को नज़र आएंगे जैसे हम लोगों ने उनको प्रीवियसली देख रखा है एंड साइज ना ऐड कर पाने का जो सीरियस इशू है वो है गाइस टाइम, क्योंकि एथलीट के पास अब उतना टाइम है ही नहीं जो क्वालिफाई हो रहे हैं मिस्टर ओलंपिया के लिए कि वो थोड़ा बहुत बल्क कर लें, थोड़ा बहुत साइज ऐड ऑन कर लें। हालांकि लीन मसल मास वो गेन कर सकते हैं, बट वो आप लोग को पता होगा कि ज़्यादा वो नहीं हो पाता, उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग डेफिनेटली लगता है। बट यहाँ पे मार्टिन फिट्ज़वाटर मिस्टर ओलंपिक 2024 के अंदर अपना ओलंपिया डेब्यू करने वाले हैं एंड डेफिनेटली उनकी जो मेन प्रायोरिटी रहेगी कि बेस्ट से बेस्ट कंडीशनिंग के अंदर आने की। हालांकि साइज़ में वो डेफिनेटली चूक करने वाले हैं, बट जो कंडीशनिंग का वो रिप्रेजेंट करेंगे वो सबसे अलग हटके होगी, ये कहीं मैं मान के चल रहा हूँ अभी से। बात बाकी आप लोग का थॉट्स एंड ओपिनियंस है उनके फिजिक अपडेट को लेके एंड आप लोग का जो फिजिक अपडेट है इनका वो कहीं आप लोग को कैसा लगा, आप लोग के जो भी थॉट्स एंड ओपिनियंस रहे हो मुझे कमेंट करके बता सकते हो एंड इनके साइड से कुछ और भी अपडेट्स आएंगी तो डेफिनेटली मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल के लिए हम लोग बढ़ते हैं आज को अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ एंड फाइनली जिस न्यूज़ के लिए गाइस मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था एंड खुश था आप सभी लोगों को प्रोवाइड कराने का, वो न्यूज़ आ चुकी है एंड वो न्यूज़ होने वाली है कार्लोस डी ओलिवेरा के बारे में। जैसे ही आप लोगों को पता होगा, बहुत टाइम से मैं आप लोगों को हर अपडेट के अंदर जब भी कार्लोस का अपडेट शेयर करता हूँ तभी ये बोलता आता हूँ कि आखिरकार कब क्लासिफिकेशन डिवीजन के अंदर वो कॉम्पीट करेंगे। तो यहाँ पे वो वेट ख़त्म हो चुका है क्योंकि रिसेंट में कार्लोस डी ओलिवेरा एक स्टोरी को मेंशन करते हैं जिसमें कि आप लोग देख सकते हो मसल वर्ल्ड जो प्रो शो है वो गाइस होने वाला है, मेनली वो क्लासिफिकेशन डिवीजन के एथलीट के लिए होने वाला है एंड जो कि होगा
17 अगस्त को। जी हाँ गाइज, अब ऐसा भी हो सकता है कि कार्लोस डी ओलिवेरा उसमें गेस्ट पोजिंग या फिर इनवाइट किए गए हों एज अ गेस्ट, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अभी कम्प्लीटली भाई श्योरली तो नहीं बोल सकते कि वो उसमें कॉम्पीट करें ही करें, बट पॉसिबिलिटी तो डेफिनेटली यहाँ पे क्रिएट हो जाती है जब उन्होंने ये पोस्ट रिमेंशन करी है अपनी स्टोरी के ऊपर। बाकी लेट्स सी, अगर कुछ कन्फर्म अपडेट आएंगे तो डेफिनेटली मैं प्रोवाइड करा दूंगा उनके इस शो के रिगार्डिंग। बाकी आप लोग का इस क्या लगता है कि क्या वो कॉम्पीट करेंगे या फिर नहीं, क्योंकि जैसे उनकी फिजिक है मेरे को तो लगता है गाइज वो कॉम्पीट कर सकते हैं। डेफिनेटली देखते हैं क्या होता है। बात बाकी सो गाइज आज के इस वीडियो में तो सिर्फ इतनी अपडेट्स थे, एंड अगर आप जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर से प्रेस कर लेना। एंड मैं मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय गाइज एंड टेक केयर ऑल।